जय हिंद वंदे मातरम प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग नई भर्ती 2024-25। जी हाँ साथियों, स्वास्थ्य विभाग में 50,000 प्लस पद खाली चल रहे हैं। ये सूचना दी है किसने? स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवन सर जी ने यह सूचना दी है। सदन में ये बात रखी है, मांग रखी है कि हम 50,000 पदों को भरेंगे, जिसके लिए नई भर्ती निकालेंगे। उसमें तमाम पद होंगे साथियों, तुम्हारे सरकारी अस्पताल में पर्ची काटने वाले, सुरक्षा गार्ड, पार्किंग गार्ड, ANM, GNM, चिकित्सक, कंपाउंडर, लैब वाले, ठीक है, पूरी की पूरी जानकारी देंगे। कितने कितने पद खाली चल रहे हैं सारी की सारी जानकारी। सफाई कर्मचारी जो साफ सफाई करेंगे सरकारी अस्पतालों में, और साथियों इसमें हेल्पर वाले भी होते हैं जो कि मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, उन तमाम पदों की भी चर्चा करने वाले हैं। ये पद कैसे भरे जाएंगे, किस प्रकार से ये भर्ती निकलेगी, 50,000 पदों पर खाली चल रहे हैं ये पद, इसकी सूचना आई है दोस्तों। पूरी जानकारी को समझते हैं। और गांवों की CHC, PHC, सरकारी अस्पतालों में लगाई जाएगी इनकी ड्यूटी। जो भी नए कर्मचारी लगेंगे उन सभी को गांव में ड्यूटी दी जाएगी साथियों, ऐसी बात भी मंत्री जी ने कही है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसकी सारी जानकारी को देख लेते हैं। ये जो ताजा खबर आई है ये खबर भी हम आपके साथ साझा करेंगे, और इसमें नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा इस भर्ती का, वो भी हम आपके साथ में साझा करने वाले हैं। चलो जी देखते हैं फटाफट से। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग नई भर्ती 2024 NHM नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय हेल्थ मिशन भर्ती, गांव की सरकारी अस्पतालों में मिलेगी नौकरी, खाली पद चल रहे हैं साथियों 50,000 प्लस, पर्ची काटने वाले, सुरक्षा गार्ड, पार्किंग गार्ड, ANM, GNM, नर्स, चिकित्सक, लैब और सफाई कर्मचारी, हेल्पर, सभी पदों को भरने की जो मांग उठाई गई है इसकी हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं, इसकी विवेचना करने वाले हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके सीधा हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है साहब, आप देखते हैं इसमें पूरी की पूरी जानकारी। नोटिफिकेशन कब तक आएगा? नोटिफिकेशन साथियों दिसंबर 2024 में आने की बात कही गई है, जो कि खुद मंत्री जी ने कहा है कि दिसंबर तक हम आपका जो पदे हैं, ये पद हैं 50,000, इनको भर देंगे। यानी कि दिसंबर 2024 तक अपने को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है साथियों, ये ताजा खबर आई है, ये खबर हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। ये खबर आपको कहां पर मिलेगी? ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें होती हैं, जो भी नोटिफिकेशन होती हैं, सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं भाई, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलेगा दोस्तों। देखो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, सारा का सारा टेलीग्राम ने ज्वाइन कर लो, जो भी खबर आएगी टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। ठीक है साहब, अब देखो आगे की बात करते हैं। स्वास्थ्य में 50,000 नई भर्तियां करेंगे, खाली पद बहुत ज्यादा पड़े हैं, उपकरणों की कमी पड़ी है, यानी कि मशीन औजार पाती वो भी नहीं है भाई। जर्जर भवन है साथियों, पुरानी अस्पतालें हैं जिनमें जर्जर भवन हो चुके हैं, खंडर के रूप में हो चुके हैं, पता नहीं कब धस जाए भाई दीवार। ठीक है साहब, रोग भारी है इन सबका, ये गजेंद्र सिंह खिवन सर ने कहा है साथियों। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री खिवन सर ने सदन में अनुदान मांगों पर रिप्लाई में कहा है साथियों। जब सदन में ये बात कही गई कि हाँ भाई आप क्या मांगना चाहते हो, तो उनके जो, क्योंकि ये जो खिवन सर जी हैं ये तो स्वास्थ्य मंत्री है ना, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो ये तो खुद के डिपार्टमेंट की बात करेंगे। तो इन्होंने यही कहा है कि 50,000 नई भर्तियां करनी है, जर्जर भवन पड़े हैं, नई CHC PHC खोलनी है, गांव में नए अस्पताल खोलने हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सारी विधायकों ने भी यही कॉमन प्रॉब्लम बताई है साथियों, जितने भी विधायक थे उन्होंने भी ये प्रॉब्लम बताई है कि हां साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं मंत्री जी। अच्छा जी आगे बात करें, हम 50,000 पद भर रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं?
मंत्री जी बोल रहे हैं साथियों कि हम 50,000 पद भर रहे हैं, दिसंबर तक इसका चरणबद्ध काम होगा, यानी कि दिसंबर तक इसका जो काम है वो पूरा कर देंगे। अच्छा साहब, सदन ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का 118 अरब का और चिकित्सा शिक्षा विभाग का 54.55 अरब का बजट पारित कर दिया है साथियों, यानी कि अब इसको बजट मिल, पैसे मिल चुके हैं, बजट पास हो चुका है, पैसे की जो बात है वो हो चुकी है। 118 अरब रुपए चिकित्सा में देंगे और 54.55 अरब रुपए चिकित्सा शिक्षा विभाग में देंगे, यानी कि जो चिकित्सा मेडिकल जो साइंस है, मेडिकल के क्षेत्र में जो शिक्षा देते हैं उसमें भी साथियों 55 अरब की बात हुई है, ठीक है। बाकी की जो है 118 अरब ये चिकित्सा विभाग में, जैसे अपने अस्पताल हो गए, सीएचसी पीएचसी हो गए, जिला अस्पताल हो गए, इनको खोलने की, पदों को भरने की, मशीन लगाने की, ये चीजें हैं साथियों, ठीक है जी। 2024-25 में खोलेंगे, क्या क्या खोलेंगे 2024-25 में, ये मंत्री जी ने कहा है। जिला अस्पताल, जिला चिकित्सालय 20 खोली जाएंगी, यानी कि हम जिला चिकित्सालय कितनी खोलेंगे 20, और उप जिला चिकित्सालय कितनी खोलेंगे 56, सीएचसी कितनी खोलेंगे 28, सीएचसी क्या होती है साथियों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, ये होती है सीएचसी, और पीएचसी कितनी खोलेंगे साहब 463, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होती है। उप स्वास्थ्य केंद्र कितने खोले जाएंगे 2292, यानी 2292 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, और वाहनों के लिए पार्किंग कितनी बनाई जाएंगी 1200 साथियों, 1200 वाहन पार्किंग बनाई जाएंगी, जिनमें पार्किंग में आपने देखा होगा सरकारी अस्पतालों में पर्ची वर्ची काटने वाले होते हैं, 5-5 रुपए की पर्ची काटी जाती है, 10-10 रुपए की जो पार्किंग वाले होते हैं, गाड़ियों को साइड में लगवाते हैं, उनकी यहां पर भर्ती होने वाली है। अच्छा जी, आगे बात करें, नए डॉक्टरों को 5 साल गांव में लगाएंगे, यानी कि साथियों जो भी नई जॉइनिंग होगी, प्रथम जॉइनिंग होगी, उनको गांव में पोस्टिंग दी जाएगी, शहरों में नहीं लगाया जाएगा, गांव की जो अस्पतालें होंगी उनमें उनको लगाया जाएगा। हर विधानसभा को देंगे एक मॉडल सीएचसी और 20 जिला अस्पताल, रिक्त पदों का विवरण, अब देखते हैं रिक्त पदों का विवरण, कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं इसके तहत। डॉक्टर को डॉक्टर भी लेंगे, नर्सिंग ऑफिसर के 8,750 पद खाली चल रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर के 1,220 पद खाली चल रहे हैं, डेंटल ऑफिसर जो दांतों के होते हैं उनके 2,000 पद खाली चल रहे हैं, एएनएम जीएनएम की भर्ती करेंगे, नर्सों की भर्ती करेंगे, नर्स जो होते हैं और लैब उनकी भर्ती करेंगे। अच्छा, ये तो आएगी साथियों तुम्हारी राजस्थान सरकार की तरफ से ये भर्तियां, तो ठीक है साहब। अब बात करते हैं डायरेक्ट एजेंसियों की भर्तियां। देखो, पर्ची काटने वालों की कोई भर्ती नहीं आएगी, पर्ची काटने वालों की, सुरक्षा गार्ड की, पार्किंग गार्ड की, सफाई कर्मचारी की और हेल्पर की, ये जो भर्तियां होंगी ये एजेंसियों के द्वारा की जाएंगी, एजेंसियों के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे, जिसको हम ठेका कर्मी बोलते हैं। कोई भी ठेकेदार होता है, जो सफाई कर्मचारियों का ठेकेदार है वो सफाई कर्मचारी लगाएगा अस्पतालों में, जो हेल्पर है हेल्पर वाले ठेकेदारी लगाएंगे, पार्किंग वाले पार्किंग में गार्ड देंगे, और जो कंपनी होती है सुरक्षा गार्ड की, जो एजेंसियां होती है सुरक्षा कर्मी सिक्योरिटी वाली, वो सुरक्षा गार्ड देंगी, और पर्ची काटने वाले भी साथियों ठेकेदारों के थ्रू ही लगाए जाएंगे, तो इनको एजेंसियों के माध्यम से पदों को भरा जाएगा। तो आपको अगर इनमें लगना है साथियों तो आप किसी भी ठेकेदार से संपर्क करके इनमें लग पाओगे, अभी नहीं, दिसंबर 2024 में जब पदों का नोटिफिकेशन आएगा तब साथियों। वैसे इन पदों पर तो आप अभी भी संपर्क कर सकते हो किसी भी ठेकेदार से, क्योंकि ये जो पद होते हैं ये ऐसे ही प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर के द्वारा भरे जाते हैं साथियों, मैं आपको सही बता रहा हूं। तुम कहीं परेशान हो जाओगे, सरकारी अस्पताल में जाओगे, साहब पर्ची काट वाला की भर्ती निकल रही, जैके विथान मना कर देंगे, जब आग जा ना कौन निकल रही, तो ऐसे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, आप डायरेक्ट किसी ठेकेदार के थ्रू लग सकते हो, वैसे नहीं लग पाओगे इन पदों पर, ठीक है। साफ सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी हैं, हेल्पर जो मरीजों को उनमें बिठा करके ले जाते हैं, ऊपर से नीचे ले जाते हैं, आईसीयू में ले जाते हैं, उनके लिए हेल्परों की भर्ती होगी, ये सब एजेंसियों के माध्यम से, प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से भरी जाएगी साथियों, ठीक है। तो यह है पूरी जानकारी, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा या कोई भी ताजा खबर आएगी वो भी हम आपके साथ साझा कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ।
अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।